Well, let us start again. We are starting the new chapter, Modern Physics. Its first part is laser. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiations. अगर आपको याद हो तो आपने बसों में और ट्रेनों में एक छोटी सी टॉर्च देखी होगी, जो आपने उसको यूज भी किया होगा, कीरिंग के साथ मिलती है, पतली सी बारीक सी टॉर्च होती है और जब आप उसको जलाते हैं तो बहुत दूर पे कितनी दूर भी आप उसको डालिए उसका एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट आता है, दैट इज अ लेजर। या ये लेजर आपके इस तरह के लेजर के टॉर्चेस होते हैं जो आपने और भी जगहों पर देखा होगा। यहाँ आपको मैं बता दूं, लेजर जो है वो एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का, और ये टर्म जो है गॉर्डन गोल्ड ने कॉइन की थी। लेजर एक डिवाइस होता है, लेजर इज बेसिकली अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ हाईली इंटेंस, हाईली यूनिडायरेक्शनल, हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। माइक म्यूट हो गया आपका मैम। हेलो हेलो मैम, माइक म्यूट हो गया आपका। मैम माइक म्यूट हो गया। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब हुआ? जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो। So after definition, let us start characteristics of laser. The first characteristic of laser is that it is monochromatic. Monochromatic means it emits only one wavelength. One wavelength का मतलब एक कलर। आपको जैसे white light में सात colors का mixture होता है, लेकिन अगर monochromatic वो कहलाती है जिसमें सिर्फ एक wavelength हो या एक ही कलर हो, that is known as monochromatic. So it is a monochromatic beam of light. कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब जितना भी उसमें से जो भी लाइट निकल रही है या जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सारे सेम फेज में होते हैं। फोटोन इज द बेसिक पार्टिकल ऑफ लाइट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइट का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका की एनर्जी एच इंटू न्यू के बराबर होता है, न्यू का फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और अगर सारे फोटॉन्स एक ही फेज में हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ही वेवलेंथ के साथ हो, तो ये आपका एक ही सोर्स से निकलते हुए महसूस होते हैं और ये फोकसिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो चूंकि इसका फोकसिंग बहुत अच्छा होता है, सो लेजर हैज अ कोहेरेंट प्रॉपर्टी। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का मतलब एक ही प्लेन में होना होता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने नॉर्मल बल्ब जलाया है या नॉर्मल टॉर्च आप जलाते हैं तो लाइट ऐसे चारों तरफ फैलती है, लेकिन अगर वो पोलराइज्ड होगी तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में या आसानी से मीडिया से पास हो जाएगी, एक पर्टिकुलर प्लेन में होने की वजह से एक ही प्लेन में होगी और मीडिया से इजीली पास हो जाएगी। हाई डायरेक्शनैलिटी, हाई डायरेक्शनैलिटी का मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फोटॉन्स हैं वो सारे के सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी तो होगी अगर बहुत सारे फोटॉन्स बिल्कुल फोकस्ड फॉर्म में एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही फेज में मूव कर रहे होंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वापस आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए हमने आपको बताया था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो लाइट को एम्प्लीफाई कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, क्या यूज करके? स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये आपका लेजर बन जाता है। सो अ डिवाइस विच कैन एम्प्लीफाई द लाइट यूजिंग द मेथड ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज लेजर। यहां से हम लेजर बीम की प्रॉपर्टीज को एनलिस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम आर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। सारी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। आपको याद होगा कि जो वो आप लेजर वाला टॉर्च यूज करते हैं उसका लाइट एक स्पॉट के फॉर्म में, छोटे से स्पॉट के फॉर्म में दूर पे पड़ता है। आप उसको अपने पास वाली दीवार पे उसको फोकस करिए, पास वाली दीवार पे डालिए उस स्पॉट को, तो भी वो उतना ही बड़ा होगा। और बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है से
पेड़ है या ट्रेन का डब्बा है वहां पर आप उसको भेजेंगे उस स्पॉट को, तो वहां पे भी उस स्पॉट का साइज और इंटेंसिटी बराबर होती है. सो एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से उसमें ये स्थिति होती है, क्योंकि लाइट फैलती नहीं है उसमें. सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ, इट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक. हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है. इट इज हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट, बहुत इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड इट इज अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट. कोहेरेंट बीम मीन्स ऑल द फोटॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स. नाउ कम ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ लेजर. लेजर प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर लेजर को बनाया गया है, उसके लिए दो बेसिक चीजें यूज की गई हैं. पहला कहलाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन और दूसरा कहलाता है स्टिम्युलेटेड एमिशन. पॉपुलेशन इन्वर्जन समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको मैंने फिगर में बना रखा है, नीचे आपको दिखाया हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये एक प्रिंसिपल है. और दूसरा प्रिंसिपल ऊपर से थर्ड नंबर पे देखिए स्टिम्युलेटेड एमिशन है. ये स्टिम्युलेटेड एमिशन बेसिक प्रिंसिपल होता है, लेकिन इसके साथ ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होते रहते हैं. सो ये सारा कुछ मिला के लेजर प्रिंसिपल तैयार होता है. अब हम आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स अलग अलग समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी. पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझ में आनी और जरूरी है. पहला कि कोई भी एटम जो है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. पहला स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट एटम वो होता है जिस एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई एटम है, वो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है. 11 इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो सबसे पहली ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लास्ट एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा. सो द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 1. अगर कोई भी एटम अपनी इस नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट एटम, और इसकी जो एनर्जी होती है वो कहलाती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी. एग्जाम्पल के लिए जो हाइड्रोजन एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कोई भी एटम इस ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी यहां पर मिनिमम होती है. अब आ जाइए, अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ये इसकी दूसरी स्टेट है. एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट के बाद एक स्टेट, दो अपर स्टेट्स होती हैं बेसिकली, एक आपकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट और दूसरी कहलाती है मेटास्टेबल स्टेट. ये देखिए आपके स्क्रीन पे, एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई एटम तब जा सकता है जब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले. एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करता है, कोई आसपास से कोई फोटोन गुजर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, या और कोई रीजन से वहां कोई एनर्जी थी जिसको कि किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो जब वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी सी अलग हो जाती है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एटम था जिसमें, जो हमने पहले एटम कंसिडर किया था कि जिसमें 2, 8, 1 उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें जो बीच वाला ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन एटम ने कुछ एब्जॉर्ब किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ ऊपर अपर स्टेट में आ गया. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था सेकंड वाले ऑर्बिट में, ये मूव करके बाहर वाली ऑर्बिट में आ गया, या फर्स्ट वाली जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और वो ऊपर की किसी ऑर्बिट में चला गया. तो अब ये एटम अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं है. अब जो कॉन्फ़िगरेशन हुई वो चेंज हो गई, 2, 8, 1 के बजाय लेट इट बी 2, 7 and 2 हो गई. अब 2, 7 and 2 हो गई तो ये इसमें स्टेबल नहीं हो सकता. इस स्थिति में वो एटम मैक्सिमम 10^-8 सेकेंड तक रह सकता है और उसके बाद उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को वापस एमिट करके नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा विद द सेम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8, 1. ये स्टेट जो होती है जब कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में चला गया, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो ये एटम एक्साइटेड एटम कहलाता है. तीसरी स्टेट होती है, इसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट जो होती है वो आपके जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, और इस
में जो एटम का स्टे होता है वो 10^-6 सेकंड का होता है, यानी 100 टाइम्स टू दैट ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में अगर वो 10^-8 सेकंड रह रहा है तो मेटा स्टेबल स्टेट में 10^-6 से लेकर 10^-3 सेकंड तक रह सकता है. यानी कि बहुत ज्यादा इसका स्टे होता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट. ये देखिए आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ये नीचे जो दिखाई गई है यहां पर अगर कोई एटम है तो ये ग्राउंड स्टेट में है. इसके बाद आपका जो दूसरी स्टेट है ये देखिए ये ग्राउंड स्टेट है. अगर मैं इसको इस ग्राउंड स्टेट को बात करूं हाइड्रोजन एटम के लिए तो यहां पर इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. अगर ये यहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और ये यहां तक जा सकता है तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई. एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में एक स्टेट ये दिख रही है, ये है आपकी मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट जो है वो उसमें किसी भी एटम का स्टे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट. और इससे ऊपर और भी स्टेट्स हो सकती हैं, और भी जगहों पे एटम जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो एटम है उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो उसने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक ऑफ कर दिया, यानी कि वो एटम आयोनाइज हो गया. तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एटम आयोनाइज हो सकता है. तो इस तरह से दो ऐसी स्पेसिफिक एनर्जीज जिनको एब्जॉर्ब करके एटम अपनी स्टेट चेंज कर सकता है ये कहलाती हैं आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन एनर्जीज या आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है जो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक ऑफ कर सकता है और उस एटम को आयोनाइज कर सकता है. एक्साइटेशन पोटेंशियल वो मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल है जो किसी एटम को इसकी एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता है. अब आ जाइए यहां पर मैं आपको समझाती हूं ये तीनों स्टेट्स किस तरह से वर्क करती हैं लेजर के लिए. ये देखिए यहां पर ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट, और ये मैं बीच में आपको एक दिखा देती हूँ, ये एक मेटास्टेबल स्टेट है. मान लीजिए ये कंडीशंस है. जो ग्राउंड स्टेट वाला एटम है उसको एनर्जी चाहिए तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. मान लीजिए यहां पर शुरू में 200 एटम्स थे और एक एटम या दो एटम आपने उनको किसी मेथड से एनर्जी प्रोवाइड कर दी और ये मूव करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए. ठीक, ये दोनों एटम्स मूव करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए. अब यहाँ आपके कुछ कम एटम हो गए. ये एटम्स यहाँ, ये जो आपके एटम्स हैं ये यहाँ पर 10^-8 सेकंड तक रहेंगे और उसके बाद ये इस एनर्जी को बाहर निकालेंगे. ये यहाँ से सीधे वापस यहाँ भी आ सकते हैं और ये यहाँ पर भी जा सकते हैं. दोनों तरह से पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो एटम सीधे नीचे आ जाएगा या वो एटम मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा. अगर मेटास्टेबल स्टेट में आएगा तो ये 10^-6 सेकंड्स तक और रहेगा. अब इस बीच में मान लीजिए दो एटम्स और ऊपर चले गए एक्साइटेड स्टेट में. आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद अगर आप उसी तेजी से एटम्स को एनर्जी देते रहे तो कुछ सेकेंड्स के बाद, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद, नॉट सेकेंड्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद जो मेटास्टेबल स्टेट है इस पे बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे. ये दोनों अपर लेवल्स हैं या अपर स्टेट्स हैं. किसी भी अपर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन, विच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लेजर. लेजर को बनाने का पहला प्रिंसिपल है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जरूर होना चाहिए. पॉपुलेशन इन्वर्जन तब ऑकर होता है जबकि एक पर्टिकुलर स्पेसिमन अपनी उस स्टेट में एग्जिस्ट करने लगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हायर स्टेट्स में हो, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो या मेटास्टेबल स्टेट हो, एज कंपेयर टू लोअर स्टेट और ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट को लोअर स्टेट भी कहते हैं. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज दैट स्टेट इन विच लार्जर नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन हायर स्टेट्स एज कंपेयर टू लोअर स्टेट्स. ये तो हुआ पहला प्रिंसिपल. दूसरा प्रिंसिपल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिख रहा है दैट इज स्टिम्यूलेटेड एमिशन. स्टिम्यूलेटेड एमिशन, देखिए कोई भी मैटर को या किसी भी रेडिएशन से इंटरैक्ट करने का तीन तरीका होता है. पहला तरीका तो एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, दूसरा तरीका स्पॉन्टेनियस एमिशन,
और तीसरा तरीका स्टिम्युलेटेड एमिशन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आप किसी एटम को जबरदस्ती एनर्जी देके और उसको अपर स्टेट्स में भेज सकते हैं, उसको आपने एब्जॉर्ब करने के लिए आपने एब्जॉर्प्शन इंड्यूस किया, सो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, कोई भी एटम जब हायर स्टेट में चला गया से इन एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पर मैक्सिमम 10^-8 सेकंड तक रहेगा और फिर सडनली वो सारी की सारी एनर्जी निकाल के नीचे की स्टेट्स में आ जाएगा, ये हुआ स्पॉन्टेनियस एमिशन। और तीसरा स्टिम्युलेटेड एमिशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होता है, अगर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल यूज किया जाए उस एटम को स्टिम्युलेट करने के लिए कि तुम किसी तरह से भी मेरे बराबर एनर्जी का एक फोटोन और निकाल दो, और वो अपने बराबर एनर्जी का सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ सेम वेवलेंथ का एक फोटोन अगर वहां से एमिट कर सकता है तो ये कहलाता है स्टिम्युलेटेड एमिशन। देखिए इन तीनों चीजों को आपके मैंने फिगर के हेल्प से भी की कोशिश की है। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, ये E1 स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट है और E2 स्टेट जो है ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। जो आपका एटम है वो ग्राउंड स्टेट में था, इसने इसके पास से कोई फोटोन गुजरा, उसकी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, उस फोटोन को हमने उसके पास भेजा, या जो भी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इसके पास हमने एक फोटोन भेजा, उस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये मूव करके देखिए यहाँ आ गया एक्साइटेड स्टेट में। तो एब्जॉर्प्शन को इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करके स्टिम्युलेटिंग इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि ये इंसिडेंट फोटोन आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमको एक हमारे पास पर्टिकुलर सैंपल है और उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, हमने क्या किया उसके ऊपर कैमरे के फ्लैश जैसा कोई फ्लैश लाइट डाला, तो जो फ्लैश लाइट होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत एक बार निकलेगा और फिर बंद हो जाएगा, आपने उसको महसूस भी किया होगा कि बहुत एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी वहां किसी सैंपल पे पड़ती है और उस एनर्जी को उसके एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो ये आपका हुआ इंड्यूस्ड या स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आ जाइए स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये जो एटम आपके पास था जो कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में आ गया था, ये यहाँ मैक्सिमम 10^-8 सेकेंड्स तक रहेगा। 10^-8 सेकेंड्स पूरा होने के बाद ये कोई भी फोटोन जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी या उससे थोड़ी कम एनर्जी निकालेगा और निकाल के ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा या किसी सेंटर की मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। सो जब अपने आप टाइम पूरा होने के बाद कोई भी एटम एनर्जी को एग्जिट करता है, एमिट करता है और एमिट करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है, तो ये कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। तीसरा देखिए स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या होता है कि जो एक्साइटेड एटम है वो किसी आसपास मूव करते हुए स्टिम्युलेटिंग फोटोन से की वजह से उतनी ही एनर्जी निकालता है जितनी एनर्जी उस फोटोन के पास है, और सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ सेम वेवलेंथ का और सेम फेज में मूव करता हुआ एक फोटोन वहां से निकाल देता है। यहाँ देखिए फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है और इसके पास से बहुत करीब से एक एक्सटर्नल पार्टिकल एच न्यू एनर्जी का इसके पास से निकलता है और ये उसमें से एक और एच न्यू एनर्जी का पार्टिकल निकाल लेता है, उससे क्या होता है जो दोनों की मिला के एनर्जी हो जाती है दैट इज 2H न्यू। राइट वाले फिगर में देखिए ये फोटोन यहाँ बहुत करीब से उस एटम के गुजरता है और उसमें से एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन तो ये खुद है, उस एक फोटोन इसने और निकाल लिया और अब ये दो फोटॉन्स हो गए जो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये एटम जो आपका एक्साइटेड स्टेट में था वहां से ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। इस फोटोन ने, ये जो फोटोन आपका जा रहा था, इस इंसिडेंट फोटोन ने स्टिम्युलेट किया एटम को कि मेरे बराबर एनर्जी का, मेरे बराबर वेवलेंथ का, मेरे बराबर डायरेक्शन, मेरे सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक और फोटोन वहां से निकाल दो। अब देखिए इसको मैं आपको क्लास डे टू डे लाइफ से एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इसको आपको समझ में थोड़ा बेटर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए आपकी क्लास है और आप सारे क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी क्लास चल रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, आपका जो आप ग्राउंड स्टेट में है क्योंकि आपकी नॉर्मल कॉन्फिगरेशन के हिसाब से आप सबको क्लास में होना चाहिए।
एक बच्चे के किसी के पेरेंट्स आ गए और प्रिंसिपल ऑफिस से उसको बुलाया गया कि आपके पेरेंट्स आए हैं, तो ये हुआ स्टिम्युलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। उस बच्चे को, जिस बच्चे के पेरेंट्स आए थे, अब उसको एनर्जी मिल गई कि वो क्लास छोड़ के प्रिंसिपल ऑफिस तक जाएगा, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन मिला और वो क्लास छोड़ के प्रिंसिपल ऑफिस तक चला गया। जब प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया वो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब ये चाहे तो वहां पर काम खत्म होने के बाद सीधे क्लास में आ जाए। दूसरा तरीका क्या हुआ, इसने काम खत्म होने के बाद क्या किया कि आसपास की क्लास में गया, उसका दोस्त था वहां से उसने उसको इशारा करके बुलाया कि चलो हमको लाइब्रेरी तक जाना है या समवेयर एल्स, उसने उसको इशारा करके बुला लिया। अब वो एक बच्चा क्लास से और स्ट्रक ऑफ हो गया और दो बच्चे इकट्ठे मिलके एक डायरेक्शन में चल पड़े। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे दो दोस्त और फला क्लास में है उनको बुला लेते हैं, उन्होंने दो और लड़कों को निकाल लिया, दो के बजाय चार हो गए, ये चारों एक ही डायरेक्शन में अपना मूव करेंगे। ये मतलब एक इंटेंसिटी है उन सबका, एक वेवलेंथ है, एक तरह की सोच है, एक तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सी ही स्थिति होती है। यहाँ पर स्टिम्यूलेटेड एमिशन में उस पहले लड़के ने स्टिम्यूलेट करके एक और फोटोन निकाल लिया, उन दो फोटॉन्स ने स्टिम्यूलेट करके चार फोटॉन्स निकाल लिए, उन चार फोटॉन्स ने स्टिम्यूलेट करके आठ फोटॉन्स निकाल लिए, और इस तरह से धीरे धीरे उनकी जो है इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। यही होता है आपका स्टिम्यूलेटेड एमिशन का प्रिंसिपल, जिसको कि यूज किया जाता है लेजर डिवाइस बनाने के लिए। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ लेजर पे। डिफरेंट टाइप्स के लेजर होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया गया है एज एक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल एक वो मटेरियल होता है जिसके एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है और जब उन या अपर स्टेट्स में उनको भेज के और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को वहां अचीव पहुंचा के पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है और फिर स्टिम्युलेटेड एमिशन स्टार्ट करके लेजर बीम निकाली जाती है। ये एक्टिव मटेरियल या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी अ सेमीकंडक्टर और अदर। डिपेंडिंग ऑन दैट वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर आर सॉलिड स्टेट लेजर, लिक्विड लेजर, गैस लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर के दो एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ दिए हैं, एक रूबी लेजर है और एक याग लेजर है। जो रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, ये क्रोमियम डोप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है और इसका कलर पिंक होता है और जो इसकी लाइट होती है वो रेडिश पिंक कलर की निकलती है, बिल्कुल वही जो आपने ट्रेंड्स में देखा हुआ है, दैट इज अ रूबी लेजर। दूसरा है लिक्विड लेजर। लिक्विड लेजर वो है जिसमें जो एक्टिव मटेरियल है दैट इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। यूरोपियम चिलेट लेजर जो है वो लिक्विड लेजर का एग्जाम्पल है। गैस लेजर वो होते हैं जिनमें जो एक्टिव मटेरियल है दैट इज इन फॉर्म ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर या हीलियम नियॉन लेजर आर एग्जाम्पल ऑफ गैस लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर वो लेजर है जिनमें एक्टिव मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर्स हो। एग्जाम्पल के लिए गैलियम आर्सेनाइड लेजर या इंडियम फॉस्फाइड लेजर। नाउ कम ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। वी आर डिस्कसिंग मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ लेजर फर्स्ट। मेडिकल फील्ड्स में लेजर बहुत जगह यूज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूज होता है, आई सर्जरी में यूज होता है, डेंटल सर्जरीज में यूज होता है, या गॉल स्टोन या किडनी स्टोन की जो सर्जरीज होती हैं उनमें यूज होता है। ऐसे ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। यहाँ मैंने आपको लिस्ट किया हुआ है, देखिए, इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर सर्जरी ऑफ आईज एंड अदर ऑर्गन्स। इट इज यूज्ड फॉर बर्निंग ऑफ अनवांटेड सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में कहीं किसी की ग्रोथ हो गई है, उसको रिमूव करना है तो उसको बर्न करने के लिए यूज होता है। डेंटल सर्जरीज में डेंटल लेजर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अगर किडनी स्टोन या गॉल स्टोन को ऑपरेट करके निकालना है, उसका साइज बहुत बड़ा है तो उसको ब्रेक करके छोटा करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सिमिलरली कॉस्मेटिक सर्जरीज में हेयर रिमूवल के लिए भी यूज होता है। कैंसर का डायग्नोसिस करना हो, कैंसर सेल्स हो या प्री कैंसर सेल्स हो उनका पार्टली रिमूव करना हो या टिश्यूज को बर्न करना हो, उनके लिए लेजर का यूज किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है, स्किन की रीसर्फेसिंग और स्कार रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज होता है, लिपोसक्शन के लिए यूज होता है। ये आपको खाली इनकी लिस्ट याद रखनी है,
डिफरेंट टाइप के यूजेस इन मेडिकल फील्ड. नाउ मूव ऑन टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ लेजर. यहाँ पर आपको तीन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस मैंने दिखाई हैं, एक लेजर कटिंग, एक लेजर ड्रिलिंग और तीसरा लेजर वेल्डिंग. तीन तरह की लेजर वेल्डिंग होती है, एक सीम वेल्डिंग, दूसरी स्पॉट वेल्डिंग और तीसरी इनर्ट गैस वेल्डिंग. इनको अलग अलग समझ लीजिए. लेजर कटिंग के लिए ये एक डिवाइस, लेजर डिवाइस को इस तरह से मैनेज किया जाता है. ये आपका सोर्स ऑफ लेजर है, ये सोर्स ऑफ लेजर है आपका, ये जो मैंने रेड कलर से एनसर्कल किया है, यहाँ से लेजर निकलता है. ये आपका एक 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन मिरर लगाया गया है, यहां से निकलने वाली लाइट इससे टकरा के ये नीचे आ जाती है. ये जो है ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है जो कि फोकसिंग लेंस होता है, इससे पास होके ये फोकस होती हुई नीचे आ जाती है. यहाँ पर गैस जेट लगा हुआ आता है, गैस इनलेट के लिए यहाँ पर आपका जगह बनी हुई है और यहाँ से आपका फोकस्ड लेजर का जेट निकलता है, जिसको कि जिस भी मटेरियल पे रखा लगाया जाए वहां पे वो उसको पिघलाता चला जाता है और इस तरह से वहां पे कटिंग हो जाती है. ग्लास कटिंग के लिए लेजर कटिंग का यूज होता है, इवन डायमंड कटिंग के लिए भी लेजर कटिंग का यूज होता है. ये आ जाइए लेजर ड्रिलिंग है. लेजर ड्रिलिंग के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा अरेंजमेंट यूज होता है. ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम दिखाया हुआ है, यहाँ पे लेजर सोर्स आपको नहीं दिखाया है, वो जो 45 डिग्री का एंगल पे झुका हुआ रिफ्लेक्टिंग ग्लास था वो नहीं लगाया हुआ है. यहाँ डायरेक्ट आपको मैंने ये दिखाया कि ये लेजर बीम जब नीचे आती है तो इसके आगे एक कन्वर्जिंग लेंस या बाई कन्वेक्स फोकसिंग लेंस लगा होता है इस जगह पे, और इसमें से होती हुई ये जो लाइट रे है वो नीचे फोकस हो जाती है. ये आपका जिसमें ड्रिल मारना है ये वो शीट रखी हुई है, और जहां पर ये गिरती है ये बीम, फोकस्ड बीम जहां पर गिरती है इतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है कि वहां के मटेरियल को ये पिघला देती है और वो मटेरियल पिघला के वहां पर छेद हो जाता है. अगर इस छेद को बड़ा करना है तो ये इसको ऐसे गोलाई में घुमाया जा सकता है, जितना दूर तक चाहे उतनी देर दूर तक का मटीरियल पिघला के इसका मूवमेंट होता है. ये मूवेबल हेड होता है, इस हेड को मूव करके और नीचे पूरा जो फोकसिंग है उसको दूर दूर तक मूव करके एक सर्टेन डायमीटर का ड्रिल वहां पर किया जा सकता है. नेक्स्ट आ जाइए लेजर वेल्डिंग. लेजर वेल्डिंग के लिए भी सिमिलर अरेंजमेंट किया गया है. ये आपका लेजर जो आ रहा है उसको पास किया गया है ये एक बाई कन्वेक्स फोकसिंग लेंस से, और ये नीचे आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है. दो प्लेट्स अगर आपकी यहाँ पर है उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जहां पे वो लेजर गिरती है उस जगह पर दोनों का मटेरियल पिघल जाता है और वहां पर वेल्डिंग हो जाती है. दूसरी होती है आपकी सीम वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग मतलब सिलाई जैसे करते हैं ना, दो कपड़े के दो किनारों को सिला जाता है, ऐसे सीम वेल्डिंग होती है. सीम वेल्डिंग के लिए अगर आपकी दो प्लेट्स हैं तो उन दोनों प्लेट्स को ऐसे ले लिया जाता है और ये जो एज है इसके यहाँ से यहाँ तक इस मूवेबल हेड को यूज किया जाता है. इस हेड को पूरा मूव कर लेते हैं, ये दूसरी प्लेट यहाँ पर रख देते हैं और इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक इसको मूव कर देते हैं. इसके मूव करने से क्या होता है, यहाँ दोनों साइड्स का जो मटेरियल है वो पिघल जाता है और पिघल के उनके बीच में वेल्डिंग हो जाती है. ये हुई सीम वेल्डिंग. तीसरी वेल्डिंग होती है इनर्ट गैस वेल्डिंग. इनर्ट गैस वेल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी नॉर्मल कोर्स में आप बहुत हाई एनर्जी के साथ वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने से हीट बहुत डेवलप होती है, हीट डेवलप होने से कार्बन कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर ब्लैकिश हो जाता है. इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए क्या किया जाता है, ये पूरा अरेंजमेंट एक गैस चैम्बर में लगा दिया जाता है. गैस चैम्बर में लगाने पे इसके अंदर कोई भी इनर्ट गैस जैसे हीलियम है या ऐसी कोई इनर्ट गैस भर दी जाती है, आर्गन भर दी गई. इनर्ट गैस भरे होने पे क्या होता है कि ये जो वेल्डिंग होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कोई भी कार्बन कंपोनेंट्स वहां पर नहीं ऐड होते. तो इस तरह से ये लेजर वेल्डिंग दो तीन तरह की होती है और ये आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस थे लेजर के. नाउ लेट अस सी इन अ वेरी शॉर्ट कि लेजर के एडवांटेजेस क्या है. लेजर जो है उसको ग्लास में या सेरेमिक्स में ड्रिल करने के लिए या कट करने के लिए यूज किया जाता है. लेजर्स को ब्लडलेस सर्जरी के लिए यूज किया जाता है.
लेजर्स को किडनी स्टोन्स और गोल्ड स्टोन्स के को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको ब्रेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये सब इसकी एडवांटेज है, कोई और चीज ऐसी नहीं है जिनसे ये सब काम हो सके। लेजर्स का यूज जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल्स को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको पढ़ने के लिए किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमोस्फियर है, एयर में जो पॉल्यूशन है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके साइज को भी एस्टिमेट करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लेजर्स जो है वो कुछ डेंजरस भी होती हैं एटमॉस्फेयर के लिए और हेल्थ के लिए भी। लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं आपने कंप्यूटर के साथ देखे होंगे, वो बहुत कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, जब लेजर मशीन्स को रन किया जाता है तो कुछ स्मॉल अमाउंट की ओजोन जनरेट होती है जो कि आपकी ओजोन लेयर को डैमेज करती है। और चौथी डिसएडवांटेज क्या है, कुछ लेजर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सांस के साथ अंदर चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं आपको आगे लेजर कम्युनिकेशन डिटेल में पढ़ना है, इसलिए ये कुछ चीजें मैंने आपको देखते हुए इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर लेजर। अब अगर आपको कोई किसी तरह की भी डाउट है किसी चीज में, आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं। हाथ उठा के हम मुझसे पूछ लीजिए या वैसे ही माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम टू एनीवन? यस मैम। यस मैम। वेल, अगर आप यहाँ पूछने में आपको दिक्कत लगती है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं या कोई भी आपकी ऐसा जानना की जरूरत लगती है जो मैंने यहाँ नहीं कवर किया है, तो आप उसको ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, मैं वहाँ आपको जवाब दे दूंगी। और इसके साथ ही 10 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आप ग्रुप पे अपनी अटेंडेंस पोस्ट कर दीजिए। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो ग्रुप एडमिन है, वो ही पोस्ट कर सकता है, तो आप उसको बताएं, वो आपकी अटेंडेंस पोस्ट कर देगा। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।